आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उरई शहर के ऐतिहासिक महिला तालाब पर हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी शर्रापा बाजार के व्यापारियों के सहयोग से 31 अगस्त से 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। शर्रापा बाजार समिति के अध्यक्ष शाबा भाई गलाई, संदीप शंबा, श्रीकांत गलाई वाले, नीलिस प्रकाश गलाई वाले आदि ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति के महाराष्ट्र में हर वर्ष महंगाई मंगवाई जाती है। गणेश चौथे से 7 दिवसीय कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, इसमें समिति के लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए गोविंद दाऊ की। सार्वजनिक गणेश महोत्सव है, इसमें सभी का सहयोग रहता है। खासतौर से हमारा पूरा शराबा बाजार का पूरा सहयोग है इसमें, इस गणेश महोत्सव में। और 7 दिन का ये कार्यक्रम है। ये मूर्तियाँ कहाँ से मंगाते हैं? ये मूर्तियाँ हमारे मुंबई से आती है, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से हम मंगवाते हैं अपने गांव से। जो हमारा गांव है हुपरी रेंदार, वहाँ से हमारी कोल्हापुर जाती है और ट्रेन द्वारा झांसी आती है और झांसी से उरई जाते हैं। अभी आपकी मूर्ति तो आई नहीं है? अभी मूर्तियाँ आने वाली हैं, रास्ते में हैं। थोड़ी ट्रेन लेट होने की वजह से थोड़ी विलम्ब हो रहा है मूर्ति में। तो मूर्ति ट्रेन से आती है? हाँ, ट्रेन से आती है प्रतिवर्ष। तो कितने साल हो गए? ये 26 सालों से 26वां गणेश महोत्सव है। बस कोरोना के महामारी की वजह से 2 साल कार्यक्रम नहीं हो पाया था, वो छोटे रूप में हमने मनाया था मार्केट में कोरोना का पालन करते हुए। और फिर इस साल सहयोगी दल कौन है? इधर सहयोगी हमारा पूरा शराबा बाजार है, पूरा शराबा बाजार, हमारा स्वर्णकार समाज, शराबा मार्केट, पूरा शराबा बाजार से पूरा सहयोग मिलता है। और फिर हमें पूरे नगर से तो पूरा सहयोग मिलता ही मिलता है और पूरा जिला जालौन से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि गणेश महोत्सव जिले का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव है। सबसे बड़ा पंडाल, सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ा सहयोग मिलता है हम लोगों को इस मंच पे। इस कार्यक्रम में प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिलता है। प्रतिवर्ष हम जो है जब भी हम जो है परमिशन लेने जाते हैं तो हमें तुरंत परमिशन मिल जाती है, क्योंकि प्रशासन को भी मालूम है ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं। हाँ, और इस वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है और प्रशासन का भी अच्छा सहयोग हमें रहता है साथ ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।